तो दोस्तों, स्वागत है आपका डे 28 ऑफ आर डेली PYQ रिसर्च प्रोग्राम, जिसे हमने कहा है 150 डेज हार्ड चैलेंज। और ये एक चैलेंज है यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करने का, उनको उन पे रिसर्च करने का। यूपीएससी के एग्जामिनर कुछ एक हिंट्स छोड़ जाता है, जिन हिंट्स को एकदम ठीक है देख करके आप एलिमिनेट कर सकते हैं इजीली ऑप्शन को, और प्रीलिम्स की कट ऑफ के बहुत करीब आ सकते हैं बिल्कुल अपने PYQs को अच्छे से एनालाइज करके। आज हम CDS 2023 फर्स्ट, जो CDS का एग्जाम हुआ था, उसके कुछ एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हमने यहाँ पे सामने लाए हुए हैं। कुछ एक क्वेश्चंस है, फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इंडिया में जो G20 की प्रेसिडेंसी रिसेंटली कंक्लूड हुई, उसका जो जो मोटो है वो था वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, वसुधैव कुटुंबकम। ये ओरिजिनली कहाँ से लिया गया है, राइट? अब देखिए, यहाँ जब आप ऑप्शन पढ़ेंगे, महापुराण, महाउपनिषद, ऋग्वेद, समृति, नॉर्मली जो है, आप जब भी आप किसी इस तरीके की चीजों को पढ़ेंगे कि सत्यमेव जयते, ये कहाँ से लिया गया है, कुछ और चीज कहाँ से ली गई है, नॉर्मली इस तरीके की चीजें उपनिषदों से ली जाती है। एक लॉजिक ये है। दूसरा, हमने यहाँ पे एक और चीज आइडेंटिफाई करनी है कि यूपीएससी इन चीजों में खेला करता है। नॉर्मली आप पाएंगे जहां पर दो ऑप्शन सिमिलर दिए गए हो, ये मेरा सेल्फ एनालिसिस है कि उन सिमिलर ऑप्शंस में से कोई एक ही आंसर होता है, ठीक? जहां दो ऑप्शन सिमिलर दिए गए हो, वो बस कंफ्यूज करने के लिए आपके लिए दिया गया है। जैसे महापुराण हो गया, महाउपनिषद हो गया, इसमें से आंसर इज महाउपनिषद। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आंसर हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके 2024 प्रीलिम्स के लिए। व्हाई? बिकॉज यूपीएससी के PYQs एक ऐसी चीज होती है जो कि एग्जामिनर के अंदर झांकने का हमें मौका देती है। इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज हिस्ट्री का ये सॉरी इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज हिस्ट्री का ये क्वेश्चन 2005 में पूछा गया कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। यही क्वेश्चन रिपीट होता है CDS में 2006 में कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। यही क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट होता है 2014 में, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, जो कि एम्बलम में इंडिया में पाया जाता है। सो अगेन, ये चीज भी जो है यहां से हमें पता चलता है कि, और ऑप्शन देखिए, ब्रह्म उपनिषद, मुद्गला उपनिषद, मैत्रेय उपनिषद, मुंडक मांडूक उपनिषद, देखो यहाँ देखिए, ऐत्रेय उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, कथा उपनिषद, मांडूक उपनिषद, राइट? यहाँ भी देखिए, ऐत्रेय, मांडूक, अध्यमा एंड प्रसन्ना उपनिषद, उपनिषद उपनिषद, सब चीजें यहाँ पे कंफ्यूज कर दी गई है। एंड आंसर इज योर मांडूक उपनिषद या फिर मुंडका उपनिषद, राइट? सो इस तरीके से यूपीएससी अपने क्वेश्चन पूछता है, फ्यूचर में पूछा जा सकता है। व्हाई? बिकॉज G20 में इस साल प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आया, ठीक है, CAPF में भी क्वेश्चन आया था, ये CDS में भी, दोनों पेपर्स में क्वेश्चन आए थे। और G20 की प्रेसिडेंसी पर ही, ठीक है, प्रायोरिटीज पूछते हुए उन्होंने इस साल के जो आपका जो इंडियन, ठीक है, जो कंबाइंड जियो साइंटिस्ट का क्वेश्चन है, उसमें भी क्वेश्चन आया था, एज वेल एज जो जो ईपीएफओ का क्वेश्चन था, राइट? ईपीएफओ का जो इस साल के पेपर हुए, उसमें भी इस साल क्वेश्चन आए हुए थे G20 से। तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि G20 का जो ट्रायका होता है, ठीक है, तीन कंट्रीज का, जिसमें कि प्रीवियस प्रेसिडेंट, ठीक है, कि प्रीवियस प्रेसिडेंसी होल्ड करने वाली कंट्री, करंट प्रेसिडेंसी एंड नेक्स्ट प्रेसिडेंसी वाली कंट्री, आजकल ये ट्रायोका में कौन तीन कंट्रीज है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, नंबर 1। नंबर 2, आप मुझे ये भी बताएंगे कि एक एक चीज चलती है कि रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर, रेट्स, ये मैकेनिज्म कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, राइट? तो ये एक अच्छी रिसर्च हो गई यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक्सरसाइजेज पे, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एक्सरसाइजेज पे। यूपीएससी पहले सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स एग्जाम में पूछता था, लेकिन अभी कुछ टाइम से इन्होंने एक्सरसाइजेज और इंडेक्सेस वगैरह पे क्वेश्चन पूछना बंद कर दिया है। वी कैन नेवर डाउट कि ये जो चीजें हैं ये कभी इररेलेवेंट होगी कंप्लीटली, समझ रहे हो? हमें इस चीज पे डाउट कोई नहीं रखना है, एंड ये कभी भी अपियर हो सकती है आपके एग्जाम में। तो कुछ एक देखिए, इंडो नेपाल एनुअल एक्सरसाइजेज, इनमें से कौन सी एक्सरसाइज है, ठीक है, जो कि रिसेंटली भी कंक्लूड हुई है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो ये सिंपल बात है, ठीक है, किसी को अगर पता है, सो आंसर इज सूर्य किरण। सभी को मालूम है कि सूर्य किरण एक एक ऐसी एक्सरसाइज है जो इंडिया और नेपाल के बीच आर्मी, ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। ऐसे ही ये जो संप्रीति एक्सरसाइज है, यहाँ से, ठीक है,
हमें ये जानना है कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच भी एक एक्सरसाइज रहती है, मिलिट्री एक्सरसाइज, जो कि एक्सरसाइज संप्रीति है, राइट। एंड देन आपका ये जो मित्र शक्ति एक्सरसाइज है, ये इंडिया की श्रीलंका के साथ होती है, श्रीलंका के साथ होती है। एंड देन आपका युद्ध अभ्यास जो है, ये इंडिया का राइट, ये यूएसए के साथ युद्ध अभ्यास रहता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये जो जो एक्सरसाइज है, दैट इज योर राइट, जो कि हम यूएई के साथ रिसेंटली लाए हैं, ये एक्सरसाइज का नाम क्या है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, राइट। नेक्स्ट आते हैं इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ग्रीनविच मीन टाइम पे, देखिए ये बहुत इजी इजी से क्वेश्चन है, राइट। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो अच्छे आप यहाँ से आंसर लगा सकते हैं कि ग्रीनविच मीन टाइम पे अगर 10 AM ये टाइम है, तो 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे क्या टाइम होगा। अब देखिए, अगर आपको इसके पीछे का कॉन्सेप्ट नहीं ना पता, अगर आपको ये पता नहीं है कि 1 आर इज इक्वल टू 15 डिग्री, ठीक है, ये कैसे है, तो सिंपल बात है भाई, आपका जो अर्थ है ये गोला है, और अर्थ में इस तरीके के, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट आपके लॉन्गिट्यूड्स हैं। अब गोले में कितने डिग्री होते हैं, 360 डिग्री, इसे डिवाइड कर दो 24 घंटे से, ठीक है, जब आप निकालेंगे तो 15 आएगा इसका आंसर, इट मीन्स 1 आर वुड बी इक्वल टू 15 डिग्रीज, सिंपल बात है। अब जब आपने ये यहाँ पे कंक्लूड कर दिया, तो आपको मालूम है कि ग्रीनविच जो मीन टाइम है, जीएमटी जो है, ये यहाँ पे लगभग 0 डिग्री का आपका जो जो लॉन्गिट्यूड है वहां पे आपके पाया जाता है, इंग्लैंड से होते हुए ये लाइन आपकी जाती है। तो ये ग्रीनविच मीन टाइम जब 0 डिग्री पे है, यहाँ से ईस्ट की ओर अगर आप आओगे 90 डिग्री में है, तो यहाँ शाम हो रही होगी भाई, तो ये तो हटा ही दो, शाम इसलिए हो रही होगी क्योंकि देखो सन ईस्ट से वेस्ट की ओर जा रहा है, मतलब पहले यहाँ आया होगा, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, इट मीन्स यहाँ पीछे तो शाम हो गई है। एएम हटा दो, एएम हटा दो, अब बस 3 और 4 में आपको काउंट करना है, राइट। अब इसमें देखो 90 डिग्री को अब 15 डिग्री से, ठीक है, डिवाइड कर लो, क्यों, हमें मालूम है 1 घंटे में होते हैं 15 डिग्री, तो अब ये जो 90 डिग्री यहाँ दिया है, इसे 15 डिग्री से डिवाइड कर लो, उतने घंटे आपके आ जाएंगे, कितना आया, 15 15 15 15, ठीक है, 90, 6 घंटे बस। अब 10 में 10 AM प्लस 6 आर जब आप करेंगे, तो ये आएगा आपका 4 PM, सो दिस वुड बी द आंसर। ये बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है, अच्छा क्वेश्चन यहाँ से सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स में भी बन सकता है, ये भी एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, राइट। यहाँ से हम कुछ एक अच्छे रिसर्च भी करेंगे। क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन से प्लैनेट्स गैस प्लैनेट्स हैं, जिन्हें हम कहते हैं जोवियन प्लैनेट भी, ठीक है, जोवियन प्लैनेट इनमें से कौन सा प्लैनेट है। अब जिन्हें मालूम है कि प्लैनेट दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं आपके टेरेस्ट्रियल, ठीक है, और एक होते हैं आपके जोवियन प्लैनेट। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स वो होते हैं जो कि कंडेंस्ड है, ठीक है, और जिसमें मैटर एकदम, ठीक है, हार्ड मैटर पाया जाता है, अर्थ लाइक जो प्लैनेट्स हैं, और मेनली ये गोल्डी लॉक जोन के अंदर पाए जा रहे हैं। ये गोल्डी लॉक जोन क्या होता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, राइट। गोल्डी लॉक जोन ये नॉर्मली कौन सा जोन है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सो इसमें से मार्स को आपको एलिमिनेट करना है, क्योंकि आपको पता है मार्स एक हार्ड प्लैनेट है, ठीक है, ये गैशियस प्लैनेट नहीं है, हटाओ इसे, हटाओ इसे, सिंपल आंसर आपका आ गया ये जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून एंड सैटर्न, राइट। सो दिस इज द आंसर। अब देखिए, ये जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं, ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स नॉर्मली आपके, ठीक, जो जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है, ठीक है, जो कि आपके मार्स और जुपिटर के बीच पाई जाती है, देखिए, जो आपके मार्स और जुपिटर के बीच में पाई जा रही है, ये आपकी एस्ट्रॉइड बेल्ट है। इस एस्ट्रॉइड बेल्ट के अंदर वाले प्लैनेट नॉर्मली आपके पाए जाते हैं, ठीक है, जिसमें आपके, ठीक है, ये अर्थ आता है, मार्स आता है, राइट, एंड आपके क्या कहते हैं, योर वीनस आता है, राइट। तो ये जो आपके 4 प्लैनेट्स हैं, ये प्लैनेट्स नॉर्मली आपको एस्ट्रॉइड बेल्ट के अंदर देखने को मिलेंगे। इसके बाहर जो प्लैनेट्स हैं, दे आर गैशियस प्लैनेट्स, दे आर नोन एज जोवियन प्लैनेट्स। आप मुझे यहाँ कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जो आपके, ठीक है, यूरोपा है, ठीक है, और गैनीमेड है, ये जो, ठीक है, ये जो मून है,
ये कौन से प्लैनेट के हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, राइट। सो और आप मुझे ये भी बताएंगे कि कौन सा वो प्लैनेट है जिसके पास सबसे ज्यादा मून है। डेफिनेटली आप कंफ्यूज करेंगे सैटर्न और जुपिटर के बीच, या मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एक इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है, इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि नॉर्मली आदमी लगाएगा कि सबसे बड़ा प्लैनेट तो सबसे ज्यादा ये मून, तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे सबसे ज्यादा मून कौन से प्लैनेट का है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि इस टाइप के सॉइल को, अब सॉइल टाइप पे उन्होंने सीएससी में भी बहुत क्वेश्चन पूछे हुए हैं। फॉर एग्जांपल एक बार 2021 में उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया था, ठीक है, ये उन्होंने जो जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम है स्पेशली उस पे क्वेश्चन पूछा था। एंड देन उन्होंने 2021 में ही एक क्वेश्चन पूछा था कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है उसके सॉइल की डिस्क्रिप्शन उन्होंने दे दी थी कि भैया यहाँ पे बैक्टीरियल एक्टिविटी बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से ह्यूमंस नहीं मिलता है, ये कौन से फॉरेस्ट के एरिया में आपको मिलेगा, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में वो आपको मिल रहा था। तो इस तरीके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन वो सीएससी में पूछता है, राइट। सो क्वेश्चन कह रहा है कि दीज टाइप्स ऑफ सॉइल्स कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। बस यही वो हिंट है, यही वो हिंट है जो आपको यहाँ से खोजना है, बाकी कुछ पढ़ना ही नहीं है। क्योंकि हमें मालूम है सर कि अलूवियल सॉइल, ठीक है, जलोढ़ मृदा एक ऐसी मृदा होती है जहां पे आपको सैंड, सिल्ट, क्ले, इन ये सारी चीजें मिलेगी। क्ले आपको और कहाँ मिलेगी, जहाँ पानी होगा एरिड में मिलेगी। ब्लैक तो आपको, ठीक है, ये महाराष्ट्र महाराष्ट्र के एरिया में ज्यादा मिल रहा है, ठीक है, गुजरात के एरिया में मिल रहा है, तो डेक्कन ट्राइब्स के एरिया में मिल रहा है, यहाँ पे भी उतना ज्यादा पानी थोड़ी ना यार कि क्ले बन जाए। देन लेटराइट, लेटराइट मिट्टी भैया ये तो आपको वेस्टर्न घाट जैसे एरिया में मिल रहा है जहाँ पे पानी बहुत ज्यादा होता है, लीचिंग बहुत ज्यादा होती है, लेकिन पानी ठहरता नहीं है। क्ले कहाँ बनेगी, जहाँ पानी ठहर रहा हो, ठीक है, जहाँ मिट्टी एकदम पिघल के एकदम, कहें दूसरे लैंग्वेज में कि मिट्टी सड़ रही हो, वहां क्ले बनेगी। सो इन्हें एकदम से आप एलिमिनेट कर दो एंड अलुवियल इज द आंसर, बाकी आपको पढ़ना ही नहीं है, राइट। लेकिन फिर अगेन ये यहाँ से आपको स्टेटमेंट अच्छी बनती है कि इन सॉइल्स में जो पोटाश है और फॉस्फोरस है, ठीक है, और लाइम है, ये सफिशियंट मात्रा में मिलता है, लेकिन नाइट्रोजन नहीं मिलता है। आपको याद रखना है इंडिया की मैक्सिमम जितनी सॉइल्स हैं वो नाइट्रोजन डेफिशिएंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा, बहुत ही कम नाइट्रोजन इंडिया के सॉइल्स में मिलता है, समझ रहे हो। लेकिन इन सॉइल्स में स्पेशली यहां से वो क्वेश्चन बनाएंगे कि ये ज्यादा है या कम है, तो पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम, ये इन सॉइल्स में ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। कौन सी, अलुवियल सॉइल, इसमें नहीं मिलेगा। लेटराइट सॉइल वगैरह में आपको नहीं मिलेगा, इसमें आपको मेनली, ठीक है, जैसे आपके आयरन वगैरह हो गया, ये सब चीजें, आयरन, एल्यूमिनियम एटसेट्रा, ये आपको लेटराइट सॉइल में ज्यादा मिलेगी और ये एकदम कठोर बन जाती है। व्हाई, क्योंकि भैया ये फॉर एग्जांपल वेस्टर्न घाट में मान लो इधर आपकी सॉइल पाई जा रही है, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, तो ये जो कार्बनिक कंटेंट है इसका, कार्बनिक कंटेंट वगैरह हो गया, एंड देन ये पोटाश, फॉस्फोरस एटसेट्रा, ये तो एकदम पानी में घुल के एकदम लीचिंग होकर के नीचे आ जाएंगे। ऊपर जो बचेगा वो चीज बचेगी जो पानी में नहीं घुल पा रही है, वो क्या है, नॉर्मली आपके आयरन, ठीक है, फेरस चीजें, एंड आपके एल्यूमिनियम एटसेट्रा, सिलिका भी नीचे बह के आ जाएगा, समझ रहे हो। तो इसी वजह से आप देखेंगे कि लेटराइट मृदा एकदम एकदम सख्त आपकी मृदा बन जाती है, राइट। सो दिस इज द थिंग, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि राइट कि उसरा सॉइल, उसरा सॉइल ये कौन सी सॉइल है, किसे कहा जा रहा है उसरा सॉइल, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, राइट। और ब्लैक सॉइल में वो कौन सा एलिमेंट है जिसकी वजह से ये ब्लैक होता है, राइट। या फिर आप मुझे ये भी बताएंगे कि इंडिया में जो ब्लैक सॉइल बनी हुई है ये किस तरीके के लावा से बनी है, एसिडिक लावा से या फिर बेसिक लावा से, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, राइट। सो ये हुए आज के हमारे PYQ रिसर्च के 5 क्वेश्चंस। अगर आपको लग रहा है कि ये प्रोग्राम आपकी प्रिपरेशन में थोड़ी वैल्यू ऐड कर पा रहा है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, राइट। और कमेंट सेक्शन में पार्टिसिपेट कीजिए, कमेंट सेक्शन में पार्टिसिपेट कीजिए जितना कर सकते हैं, एंड जो 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 यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो कमेंट में आंसर जरूर करें, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे लोगों ने मुझे उसके बारे में टेक्स्ट किया कि इकोनॉमी दिस वीक, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी एटसेट्रा, एंड पॉलिटी दिस वीक एटसेट्रा, राइट। जो चीजें बैकलॉग में है वो किन्हीं कारणों से थी, उन सब चीजों को मैं अभी कवर कर ही रहा हूँ, एक साथ सारी वीडियो जाएंगी, नो डाउट, ठीक है, सब चीजें कवर होगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू ऑल, हैप्पी लर्निंग।